हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हमरा और जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के हमरा महशर की तरफ जाएंगे और फिर अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। जब सारे नबी अल्लाह के दरबार में पेश होंगे तो अल्लाह अपने सारे नबियों सारे रसूलों से एक सवाल फरमाएंगे, मुश्तका सवाल होगा सारे अंबिया से। सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, सारी कायनात से सबसे ज्यादा प्रवचीता लोग अंबिया है, अल्लाह के मुकर्रबीन अंबिया है। अल्लाह अपने दरबार में खड़ा करके उनसे जवाब दे। सवाल जब अंबिया से सवाल आते होंगे तो हमारे ये फला तो बहुत बड़ा आलिम है, फला बहुत बड़ा गतिशील है, फला बहुत बड़ा पीर है, फला बहुत बड़े सजे वाला है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। और भाइयों, अरे अल्लाह के नबियों से ज्यादा तो कोई मुकर्रब नहीं है ना। अंबिया से ज्यादा तो किसी की अल्लाह के यहां कदर और वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्लाह ने 7,00,000 से 1,50,000 अंबिया को अपने दरबार में जमा करके खड़ा कर दिया। और फिर अल्लाह ने सारे नबियों से मुश्तका सवाल करा के सूरह कायदा है 7 बार 12 है, 5 बार कुछ शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह सारे रसूलों को अपने सामने जमा करने का, सारे रसूलों से फिर अल्लाह सवाल करे भैया की जवाब था, मैंने तुम्हें नबूवत से सरफराज फरमाया था, मैंने अपने पैगाम पहुंचाने के लिए इंसानों की तरफ तुम्हें मुंतखब किया था, तुम जब जब मेरा पैगाम लेकर उनके पास गए तो तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारी दावत को कबूल किया या नहीं? जो तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया मेरा पैगाम था वो तुम्हारी बात नहीं थी, वो मेरा पैगाम था। क्या उन्होंने जो है कबूल किया या नहीं? कबूल किया तो किस कदर कबूल किया? तो सारे अंबिया सारे रसूल भैया का सवाल इकट्ठे जवाब देंगे, सबका एक ही जवाब होगा कालू अल्लाह हमने तो आपकी अब आपकी तरफ से मिलने वाले पैगाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचा दिए थे। अल्लाह हमें इल्म नहीं है कि उन्होंने किस कदर उस पैगाम को कबूल किया, किस कदर जो है उस पर अमल किया।
مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ رسول غائب جانتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ رسول مختار کل ہیں. بھائیو ذرا ٹھنڈے دل سے قرآن پر غور کیجیے. انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ غائب جاننے والا تو ہی ہے, مختار کل تو ہی ہے, اختیار تیرا ہی ہے, سینوں کے راز جاننے والی ذات تو ہی ہے. لا علم لنا, اللہ ہمیں علم نہیں ہے. اب بتائیں جب انبیاء اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہے, تو ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ غلط بیانی کر, اور وہاں اللہ کے سامنے تو غلط بیانی کی بھی نہیں جا سک رہی, تو پھر انبیاء سے بیعت زبان انبیاء کہہ رہے ہیں.